أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين अज़ीज़ान गिरामी, हम अभी भी इस्मत अंबिया के मौजू में लगे हुए हैं। हमने दर्स साबिक में बता दिया जो अंबिया होते हैं और इसी तरह औसिया भी इमाम, इन दोनों का ये होता है कि इन्हें मुकम्मल इल्म और आगही होती है हकायक़ की, और इसकी वजह से भी वो गुनाह नहीं करते हैं, और इसके साथ साथ इन्हें गुनाह के खौफनाक नताइज पे भी नज़र होती है, तो ये भी एक वजह है। तो ये अगरचे काफ़ी ये नुक्ता साफ हो गया, लेकिन एक अच्छी मिसाल है हमारे पास जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो भी जहन में रहे। कभी किसी को समझाना पड़ता है और वो जल्दी समझ नहीं जाता है, तो मिसालों के ज़रिए से समझ लेते हैं, समझाते हैं। तो हमारे सामने मिसाल है एक तबीब की, या हम यूँ कहेंगे कि एक बायोकेमिस्ट की भी, बायोकेमिस्ट्री जिसने पढ़ी हुई है उसकी भी मिसाल है। तो दोनों को हम नज़र में लाएंगे आज। नंबर एक, जो डॉक्टर होता है तो उसने पढ़ी हुई होती है बायोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी वगैरह पढ़ी हुई होती है। तो जूलॉजी के अंदर उसे मालूम होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़िंदा हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, उनको हम कभी कभी नाम देते हैं माइक्रोब, उसका नाम देते हैं, और फिर उसे मिसाल के तौर पर बहसियत जूलॉजिस्ट के, मेडिसिन में जूलॉजी भी आती है ना, बहसियत डॉक्टर के उसको मालूम है कि एक बर्तन है वो भरा हुआ है मिसाल के तौर पर माइक्रोब्स की वजह से, जरासीम की वजह से, जरासीम से भरा हुआ है, मामलू है, भरा हुआ है। तो अक्सर आप देखते हैं कि जब भी किसी पेशेंट को देखते हैं वो, तो पेशेंट के देखने के बाद वो सैनिटाइजर यूज़ करते हैं हाथों पे, है ना, तो यानी डिसइंफेक्ट करते हैं अपने हाथों को। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक डॉक्टर जो कि जानता है मेरे सामने कप है, ये मेरे सामने बर्तन है और ये जरासीम से भरा हुआ है, तो क्या वो इस्तेमाल करेगा इस चीज़ का खाने पीने के लिए? कतन नहीं करेगा। तो यही सूरत हाल है, आम इंसान को मालूम नहीं होता है कि ये दिखाई नहीं दे रही कोई चीज़ लेकिन है, लेकिन जिसको पता है, जो जानता है, जिसको मालूम है, तो उसको मालूम है। इल्म और आगे की बुनियाद पर डॉक्टर परहेज करता है इस बर्तन के इस्तेमाल करने से। क्लियर, ये हो गई मिसाल एक डॉक्टर की। दूसरी मिसाल एक है, वो हम लेंगे एक बायोकेमिस्ट की, बायोकेमिस्ट्री के आलिम की। बायोकेमिस्ट्री के आलिम को मालूम है कि कुछ पौधे होते हैं जिन पौधों में सेंट होता है बहुत मोहल्लक, एक मोहल्लक सेंट होता है उनका। जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज़ है जो निकाली जाती है एक फूलों में से, उसको हम कहते हैं बेलाडोनॉल, बेलाडोनॉल काला वो, और उसकी पट्टियाँ लगाते हैं हम उस पर, फोड़े वगैरह पर, उसको पता है।
तो बेखबर लोग जब कभी किश्तवाड़ की तरफ से यहाँ से चले जाते हैं, खासकर सिमथन के क्रॉस से, तो वो उस रास्ते पर जो कोई किलोमीटर दो ढाई है, उस दो ढाई किलोमीटर पर ऐसे ही चलते हैं, और कभी कभी चलते चलते वहाँ रुकते भी हैं, बैठते भी हैं वगैरह, और सेंट उन पर असर करता रहता है और वो बेहोश हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो बच भी जाए, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो इस सेंट की वजह से, बेहोशी की वजह से असरात ज़्यादा बढ़ते रहते हैं और वो अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। क्लियर? अब अगर वो जानता है ये फूल जो है, ये नीले रंग के वाले फूल, इधर ये वादी बड़ी हुई है नीले फूलों की, और जानकार है वो इन चीज़ों का, किस चीज़ का, बॉटनी का, बॉटनिकल जो ये हैं ऑर्गेनिजम्स, उसका उनका जानता उनको जानता है वो, तो लिहाजा वो ऐसी जगह क्या करेगा, नंबर एक ये कि या तो जाएगा ही नहीं वहाँ से, या अगर जाएगा तो कम से कम दो एहतियात करेगा। नंबर एक, वो वेट मास्क लगाएगा अपने नाक के ऊपर, इन्हें अपने चेहरे पर मास्क लगाएगा, लेकिन वेट, ताकि उसके अंदर से सेंट अंदर न चला जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि जितने हिस्से पर ये फूल है उतने सारी मुसाफत को वो तेज़ी के साथ पार करेगा। ठीक है, एक इस चीज़ का नतीजा निकला, उसके इल्म का नतीजा, यानी उसने अपनी जान को बचा लिया किस चीज़ से, अपने इल्म की बदौलत उन अकदाम से जो अकदाम लाजिम थे, एक मास्क लगाने से, वेट मास्क, और दूसरा है कि तेज़ी के साथ गुजरने से। सही है? तो ये दो मिसालें दो मुख्तलिफ फील्ड्स की, इस बात को जाहिर करने के लिए कि किस तरह इल्म और आगही इंसान को मुजर असरात से, किसी काम के मुजर असरात से पीछे रखता है। सही कि नहीं? यही सूरत हाल होती है नबी और इमाम की। कुछ हकाइक जो कि गैबी हकाइक हैं, गैबी हकाइक मतलब ज़रूरी नहीं वो गैब है यकीनी में ये गायब चीज़ें हों, बल्कि इसके ये भी मायने हो सकते हैं कि वो गायब नहीं है लेकिन नज़र से पूछते हैं। तो ऐसी सूरत में जब उसको इन चीज़ों का इल्म होता है तो वो अपना जो कुछ उसे करना है वो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए मुख्तलिफ आमाल बजा लाता है और आगे चलता है। ठीक है कि नहीं? और यही सूरत हाल है गुनाह के बारे में। गुनाह क्यों गुनाह है? दो सूरतें हैं यहाँ, ये बात खास तौर पे नोट करिए। देखिए गुनाह का क्या होता है, पहले एक चीज़ हमें समझनी है, और वो होता है एक असर होता है गुनाह का, एक असर होता है ना, असर ही नहीं नतीजा। असर दो तरह के होते हैं, एक तरह के होते हैं, नहीं होते बल्कि दो तरह के होते हैं, एक होता है वाजी असर और दूसरा होता है तकलीफी असर। एक है वाजी असर, दूसरा है तकलीफी असर। तो ये मायने क्या होता है इसका, वाजी असर और तकलीफी असर? वाजी असर और तकलीफी असर ये है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर शराब है, शराब पीना मिसाल दे रहे हैं, यही हर चीज़ के बारे में लागू करेगा। शराब का एक असर है, लेकिन एक नहीं बल्कि दो असर है। एक असर है तकलीफी असर, और वो ये है कि ये हराम था और अगर हमने पिया तो हराम काम बजा लाया, हराम काम बजा लाया तो नतीजा क्या निकलेगा इस असर के एतबार से, कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा कि अल्लाह ने इसको हराम किया था, हम तब भी पिया तो हम अल्लाह से कुर्बत के बजाय दूर हो गए, एक कदम दूर हो गए मिसाल के तौर पर। यह है तकलीफी असर किस चीज़ का, हराम का। वाजी असर इसका क्या है, वाजी असर इसका है, हम हिंदी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, उसका जहनी जहनी मनोविज्ञानिक संतुलन बिगड़ता है, जहनी बैलेंस जो है मेंटल बैलेंस वो बिगड़ जाती है। तो मेंटल बैलेंस बिगड़ने से क्या हो जाता है, जहनी, आप उर्दू लफ्ज करेंगे इस्तेमाल, जहनी तवाजुन बिगड़ता है। जब जहनी तवाजुन बिगड़ता है, इसकी गारंटी है नहीं कितनी हद तक जहनी तवाजुन बिगड़ेगा, जहनी तवाजुन बिगड़ सकता है मामूली, जहनी तवाजुन बिगड़ सकता है बहुत ज़्यादा। अगर मामूली तवाजुन बिगड़ गया अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा किसी न किसी वजह से, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गया जहनी तवाजुन, इसकी जब इसकी कसरत हो गई, इससे इसका ज़्यादा हो गया जहनी तवाजुन, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, कभी कभी यह ऐसा काम कर सकता है जो कि जायज़ नहीं था।
उसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, अपना भाई है, उसका दोस्त वगैरह, लेकिन तवाज़ुन इतना बिगड़ गया, उसके साथ इतना झगड़ा किया कि उसको मार ही दिया। ज़हनी तवाज़ुन न होने की वजह से किसी का कत्ल भी कर सकता है। ज़हनी तवाज़ुन न होने की वजह से अपने जो मुहर्रमात हैं उनके साथ मिसाल के तौर बदकारी कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना, ज़हनी तवाज़ुन में एक अच्छी बीवी थी उसको तलाक दे सकता है, ठीक है कि नहीं। ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से अपने जो इसके करीबी हैं मुतालिकात या मुतालिकीन, उनके उनसे क्या हो सकता है, उनसे जुदाई हो सकती है, दूरी हो सकती है। हर कोई कहेगा ये पागल, इस पागल आदमी के साथ इंसान क्या ज़िंदगी गुजारेगा। दोस्त अजनबी बन जाएगा, बन जाएंगे, भाई दुश्मन बन जाएगा, बीवी से बिल्कुल कति ताल्लुक हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो लेकिन ये है वज़ई जो असर है, और ये हराम वाला कसर जो है ये है क्या चीज़, तकलीफी असर, यानी मुकल्लफ था। तकलीफी क्यों हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मुकल्लफ था, मुकल्लफ होने की वजह से ये चीज़ इस पर हराम थी, लेकिन इसने मुकल्लफ होकर भी ये हराम बजा लाया और इस तरह से दीन से ये एक कदम दूर हो गया। आप समझ रहे मेरी बात, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें है, और वो जो है कि जो अंबिया वगैरह होते हैं, अंबिया और वगैरह, इनकी ख़ास बात क्या होती है, इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनको इतना क़ुर्ब होता है अल्लाह के, अल्लाह का, अल्लाह के साथ इतना क़ुर्ब होता है, और इतनी वो अल्लाह के सिफात के मुशाहिद होते हैं, सिफात इलाही जो हैं उनके मुशाहिद होते हैं, मुशाहिद शाहिद या शाहिद होते हैं उनके, इस हद तक शाहिद होते हैं कि ये इसकी वजह से इश्क़ इलाही में सरशार होते हैं, इश्क़ इलाही से सरशार होते हैं। जब इश्क़ इलाही से सरशार होते हैं, हमने कई बार इससे पहले भी बात की है इश्क के फ़लसफ़े की, और उस फ़लसफ़े में हमने ये कहा था कि जो आशिक होता है वो हरगिज़ कोई काम नहीं करेगा जो माशूक को नापसंद हो, है ना। तो इस इश्क इलाही की वजह से भी वो इन चीज़ों से दूर रहते। आप समझ गए इनके नहीं। तो ये था एक वाला एक नुक्ता आज का। तो लेकिन इस दौरान आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि जो ये नबी होता है ये क्या होता है असल में, ये रहबर होता है, एक कौम का रहबर होता है, होता है ना, रास्ता दिखाने वाला जो भी रहबर होता है, रहबर जो होता है जिनको वो रास्ता दिखाता है उनके लिए वो नमूना बनता है, एक स्पेसिमेन, नमूना, उस्वा। तो ये रहबर हमेशा उस्वा होना चाहिए, उस्वा, उस्वा के मतलब है मिसाल होना चाहिए, मिसाल होना चाहिए, ठीक। ये एक बात, ये मिसाल होना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, चूंकि ये उस्वा जो है ये एक कौम का उस्वा होता है, होता है ना, मिसाल होता है एक कौम का, और ये मनसब जो है ये मनसब बहुत हसास मनसब है, हसास, सेंसिटिव। ये मनसब जो है ये रहबरी का मनसब, ये बहुत हसास होता है, हसासियत इसमें होती है, सेंसिटिविटी बहुत, हसास, सीन में तशदीद, हसास मनसब है ये। और हसास मनसब होने की वजह से क्या हो जाता है, जब भी कभी रहबर से गुनाह नहीं बल्कि मामूली लग्ज़िश भी सरज़द हो जाए, जिस कौम का वो रहबर है उस कौम की भी इज़्ज़त और शान पामाल हो जाती है, बाकी कौम में उस कौम की भी इज़्ज़त पामाल होती है, ज़ाया होती है, क्लियर। तो ये इसलिए ये वाला हिस्सा आज की बहस का बहुत ज़रूरी हिस्सा था। आगे चलते हैं, और आगे चलने के लिए हमारे पास एक हदीस है, और वो हदीस है एक शख्स है उसका नाम है हिशाम, एक सहाबी है उसका नाम हिशाम है, और ये हिशाम जो है ये सहाबी रहा है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का भी और इमाम मूसा काज़िम का भी, बहुत मशहूर सहाबी है। और
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तरफ से इस हिशाम को हदीस बयान हुई है अकल के बारे में, बहुत लंबी हदीस है और बहुत पढ़ने लायक हदीस है। तो मुझे उधर नहीं जाना है, मुझे इसके बारे में एक इब्न उमर है, एक शख्स है अबी उमर, उसका असली नाम है मोहम्मद, मोहम्मद बिन अबी उमर। चूंकि ये बहुत ऊंचे पाए का साहबी था, इसलिए कभी इमाम ना मिले तो इसी से लोग मसला पूछते थे, समझते थे कि इसको बहुत पता, जो कुछ इमाम को कहना है वो इसको सब पता होगा, इसलिए इससे पूछते हैं। तो उससे इस मोहम्मद इब्न अबी उमर ने कहा कि कहा मुझे ये बताइए कि इमाम जो होता है, इमाम बात इमाम की चली लेकिन लागू हो जाएगी अंबिया पर भी, कहा मुझे बताइए क्या उनकी असमत ज़रूरी है। उसने कहा हाँ ज़रूरी है, सवाल का जवाब तो ये है ना, असमत ज़रूरी है भाई, क्यों नहीं, असमत तो ज़रूरी है, इमाम को मासूम होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मासूम होना चाहिए, लेकिन मुझे समझाइए हम क्यों मासूम नहीं हो सकते, मुझे ये बात समझाइए ज़रा ज़रा और विस्तार के साथ, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे समझाइए कि ये कैसे होते हैं मासूम, क्या वजह है कि ये मासूम होना इनका लाजिम, लेकिन ये कैसे, ये एक तरफ से इंसान है, दूसरी तरफ से ये गुनाह करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते, ये क्या बात है, किस तरह। तो उसने कहा देखो भाई, हिशाम का कहना, हिशाम का कहना है कि गुनाह जो है, गुनाह का सर चश्मा कुछ रज़ाइल हैं, कुछ रज़ील खसलतें हैं जिनकी बुनियाद पर इंसान गुनाह करता है, आप समझे। उनमें से नंबर एक है हर्स, असबाब, गुनाह के असबाब। उसने कहा एक चीज़ है हर्स, एक चीज़ है हर्स, और दूसरी चीज़ जो है वो है हसद। एक चीज़ हर्स है, लालच, एक लालच है, लालच की वजह से इंसान गुनाह करता है, वो भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, अपना तो होता है ही अपना, दूसरे का भी खींच के, दूसरे का भी झपड़ के ले लूँगा। तो हसद, और फिर एक चीज़ है कौवे गज़बिया, गज़ब, इंसान जो एकदम से गुस्से पे आ रहा हो आता है वो भी गुनाह करता है, गुस्से में अकल नहीं रहती है। तो ये चीज़, और आखिर पर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है शहवत, इंसान को शहवत होती है, शहवत, सेंसुअलिटी, शहवत होती है, तो इन चीज़ों की वजह से इंसान गुनाह करता है। अब इसका मतलब नहीं है कि हिशाम ने सब चीज़ें बताई, लेकिन एक ही बड़ी चीज़ें बताई, और भी रज़ाइल, सब के सब रज़ाइल उसने चार चीज़ों को उसने गिनवाया। फिर उसने कहा मुझे ये बताइए कि इमाम जो है, इमाम अलैहिस्सलाम जो भी है, इमाम जो है, तो इमाम के हाथ में, इमाम को कंट्रोल होता है बहुत सारे इम्कानात पर, इम्कानात उसके पास बहुत सारे, यानी जो कुछ पॉसिबल है वो उसके हाथ में, दस्ते कुदरत में, चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे हम कहते हैं कभी मिट्टी को सोना बना सकते हैं, आप समझना, यानी उसके पास इम्कानात बहुत हैं। ये मुझे बताइए, जब उसके इम्कानात गैर महदूद हैं, उसमें कोई हद नहीं, गैर महदूद, अल्लाह ने उनको बहुत पावर दिया है, गैर महदूद इम्कानात के मालिक हैं, हत्ता कि एक मिसाल दे दी, कहा उनके कंट्रोल में बैतुल माल होता है, ये सब कुछ उनके पास है, यानी उनके पास वो कुछ है जो किसी और के पास नहीं है। तो लालच उसको होता है, हर्स, हर्स, हर्स यानी लालच, लालच उसको होता है जिसको कुछ, जिसके पास कुछ है नहीं। तो मुझे बताइए, जिसके पास ये सब कुछ है वो हरीस कैसे हो सकता है,
वो हरीस कैसे हो सकता है ना? बैतुल माल उसके कंट्रोल में, और हम देखते हैं कि इमाम वो बैतुल माल अपने पर खर्च नहीं करता है, उम्मत पर ही खर्च कर, लेकिन उसके कंट्रोल में है, तो लालच किस चीज की? कहा ये एक बात। दूसरी बात जो है वो है हसद की। ये बताइए कि इमाम जो है ये बुलंद तरीन मुकाम पर फाइल है, बुलंद तरीन मुकाम इसका है। हसद हमेशा निचले आदमी को ऊपर वाले आदमी का होता है। जिस आदमी का मर्तबा नीचे हो उसे हमेशा हसद होता है किसी ऐसे शख्स के का जिसका मर्तबा इस बारे में ज़्यादा है, माल दौलत के बारे में ज़्यादा माल उसके पास ना हो, किसी दूसरे के पास हो, उसका हसद होता है। ये बदसूरत हो दूसरा बहुत ज़्यादा हसीन हो, किसी भी चीज़ में जब ये इससे बढ़कर कोई दूसरा हो तो उसको हसद होता है, उसको हसद होता है। लेकिन मुझे बताइए जो इमाम होता है इसका मुकाम सबसे बड़ा है, इम्कानात गैर महदूद, मुकाम बहुत बड़ा, तो मुझे बताइए कि इसे हसद करना है तो कैसे, हसद करे तो कैसे, हसद करना तो कैसा, हसद की ज़रूरत ही नहीं होती। और तीसरी चीज़ ये कि गुस्सा, गज़ब, गज़ब यानी गुस्सा, ये भी गुनाह का सर चश्मा होता है। तो ये मुझे बताइए, इनका काम होता है हुदूद का जारी करना, यानी गुनाहगारों को सज़ा देना, हुदूद का इजरा, किसने शराब किया तो इतने कोड़े मारो, किसने बदकारी किया तो इतना इसको सज़ा दे दो। तो ये बताइए इनका काम है हुदूद जारी करने का, हुदूद जारी करना यानी सज़ाएं देने का, जैसे आजकल बहुत वावेला कर रहा है पूरा मगरबी जो ये मीडिया है कि इब्राहिम रईसी जो था ये एक ही मौके पर 5,000 लोगों का कातिल था, हालांकि ये बात हकीकत नहीं है, हद जारी करनी थी कर दी, मुजरिम को सज़ा तो देनी थी, कातिल को सज़ा क्या नहीं देंगे, सज़ा तो देनी थी। तो जब जिस शख्स के ज़िम्मे हुदूद का इजरा हो, हुदूद का इजरा जिस ज़िम्मे के जो, उसे कहाँ फुर्सत में मिलेगी गुस्सा करने की, गुस्सा करेगा तो कहाँ से करेगा, तो फिर गुस्सा कैसा? अगर वो गुस्सा करेगा जिस पे हद जारी करनी है तो उस पर हद जारी करने के बजाय किसी दूसरे पर हद जारी हो जाएगी, एक को सज़ा देनी है तो किसी दूसरे को देगा, या एक को एक चीज़ की सज़ा देनी है उसको दुगाना तिगाना सज़ा देगा, है कि नहीं? तो लिहाजा गुस्से की गुंजाइश है नहीं। और आखिरी चीज़ जो है, आखिरी चीज़ है शहवत, शहवत जिसमें बड़ी लज्जत आती है, बहुत लज्जत होती है किसमें? शहवत में। शहवत के मायने हैं लज्जत परस्ती, लज्जत, कुछ लोग इसे लज्जत पढ़ते हैं फारसी में, लज्जत परस्ती, ठीक है ना? शहवत जिस इंसान में ज़्यादा हो वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो लज्जत का हुसूल चाहता है, ठीक है? लेकिन इमाम जो है ये मतला है, इनको पूरी इतला है कि लज्जात ये फ़ानी दुनिया है, फ़ानी है इसके साथ, ये लज्जात ख़त्म होने वाली है, मुख्तसर इस दुनिया में लज्जात है। और जो रहने वाली जगह है दारुल बका, वहाँ तो इससे बेहतर शहवतें इंसान के लिए मैसर हैं, नियामतें मैसर इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ तो ना भूख होगी ना शहवत होगी, इतना ज़्यादा वाफिर होगा, जो ये चाहता है वो चाहता है। शराब में लज्जत तो वहाँ, जिनसी लज्जत तो हूरे मैसर, हर जो भी लज्जत चाहे वहाँ मैसर है, और वो बका वाली और पाक पाकीज़ा। तो यहाँ दुनिया की फ़ानी लज्जात में अपना वक्त बर्बाद क्यों करेगा?
तो ये चीज़ें होने की वजह से जो इमाम और नबी होता है, इस वजह से भी क्या होता है कि ये लोग गुनाहों से दूर होते। इसके साथ हमने कहा कि गुनाह की बुराई मालूम नहीं होते, गुनाह की बुराई, जो गुनाहगार होता है उसको गुनाह की बुराई का इल्म नहीं होता, लेकिन इन लोगों को उसकी बुराई का इल्म भी है। आगे है ना पूरी की पूरी। दूसरी चीज़ शहवत, शहवत के मुकाबले में मुकाबला है किस चीज़ का, जैसे हमने फ़ैल मुफ़ाला में पढ़ा कि दो तरफ़ा टकराव है, तो अब शहवत का टकराव किस चीज़ के साथ है, अक्ल के साथ। जिनकी अक्ल शहवत के मुकाबले में मगलूब हो जाएगी वो गुनाह करते हैं, तो ये अक्ली कुल होते हैं, एक लिहाज से अक्ल के बहुत ऊंचे दर्जे पर फायज होते हैं, इसलिए इनकी अक्ल शहवत के मुकाबले में मगलूब नहीं होती है, और ये एक और वजह है जिसकी वजह से ये गुनाह नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक बात याद आ रही है, इमाम सादिक, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बहुत पल्ले बांधने वाली बात है, कहा कि देखिए अगर आप खुदा की नुसरत चाहते हैं, खुदा की यारी चाहते हैं, खुदा आपकी मदद करे, नुसरत करे आपकी, तो आपको क्या कह करना है, दो चीज़ें उनकी निस्बत से अल्लाह यारी करता है, अल्लाह मदद करता है दो चीज़ों की बुनियाद पर। एक चीज़ ये है कि नंबर एक, आपका इरादा जो है इरादा दुरुस्त हो, आपका इरादा दुरुस्त होना चाहिए, गलत इरादा नहीं होना चाहिए, जो कि अक्सर बेशतर हमारा इरादा दुरुस्त नहीं होता है। और दूसरी चीज़ इसके साथ और वो दूसरी चीज़ है अज़्म और तस्मीम, जो है अज़्म व तस्मीम राशिख होना चाहिए, आयरन विल, समझिए ना, ये दो चीज़ें, इरादा जितना दुरुस्त होगा और अज़्म व तस्मीम जितना ज़बरदस्त होगा, उसी एतबार से अल्लाह नुसरत करता है इंसान। आपका इरादा कमज़ोर हो अल्लाह की नुसरत नहीं मिलेगी। आप अज़्म करते हैं किसी काम के करने का, सही भी हो अगर, लेकिन उस पर कायम नहीं रहते हैं, दो दिन सख्ती आ गई तीसरी कहती है भला मारो भाई मुझे नहीं ज़रूरत है। जब ये चीज़ें हो अल्लाह की नुसरत नहीं आने वाली। ठीक है, तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो गुनाह से दूर होते हैं, उनमें ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं और इनको ये मदद करती है, ये दो चीज़ें। ठीक है, मेरे ख्याल में वल्हम्दुलिल्लाह अव्वलम व आखिरम व ज़ाहिरम व बातिनम।